सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी देते हुए अब बी और सी ग्रेड की परीक्षाएं यानी नॉन गजटेड पदों पर भर्ती के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने को कहा है। सरकार के इस फैसले से सीधे सीधे युवाओं को लाभ होगा। साथ ही अब उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना होगा। क्या है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह एजेंसी एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी जिसे सरकार में चयन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा। पहले प्रत्येक अलग अलग परीक्षाएं युवाओं के समय, प्रयास और लागत पर बहुत अधिक बोझ डालती थी। अब इस नई योजनाओं से युवाओं का समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ परीक्षाओं के लिए होने वाला खर्च भी बचेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET कराने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब तक ग्रेड ए और बी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा UPSC और SSC जैसे संगठनों के तहत आयोजित की जाती है, जो कि यह युवाओं के समय, प्रयास और लागत पर बहुत अधिक बोझ डालती है। पर अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के समान ही होगी, जिसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग और कई तरह के अलग अलग स्नातक विषयों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका गठन 2017 में ही किया गया था। यानी अब सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी, मतलब RRB, IBPS, SSC आदि में भर्ती के लिए अब अलग अलग परीक्षाएं नहीं होंगी, उसकी जगह अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा का निर्देशन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA करेगी। इस परीक्षा से परीक्षार्थियों को पारदर्शिता भी मिलेगी, साथ ही साथ युवाओं को इससे लाभ भी मिलेगा।